नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमें तो हो जाती थी उनके हाल पूछने भर से तसल्ली, और वो पगली समझ बैठी कि बीमार गालिब का हाल अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, हरियाणा है ना, आज इतिहास लिखेगा। ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों में आज लिखा जाएगा नया इतिहास। नौकरी पाने के लिए सबसे पहले पास करना होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वन टाइम पंजीकरण होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पोर्टल लॉन्च करेंगे। और बच्चों, ये क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हटा दीजिए सर, ये क्या रहेगा बच्चों, इसके बारे में बता देता हूं। क्या है किट, क्या रहेगा ये? हरियाणा का किट अलग से रहेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बच्चों 25 दिसंबर को ना सुशासन दिवस के उप मौके पर ना सुशासन दिवस के मौके पर मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी। अब युवाओं को ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है गुरुजी? तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है, अगर आपने ना एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, साल में कितनी भी भर्तियां निकले ना, उसके लिए आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये किट की जितने भी आपके डाउट है ना, सारे उसी डाउट को दूर करने के लिए, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या चीजें रहेगी, साल में किट कितनी बार होगा, सारे डाउट्स लेंगे, कौन से सब्जेक्ट आएंगे सब पढ़ेंगे। तो वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। साल में ना जितने भी फॉर्म भरते हैं, पहले हम क्या जाते हैं, साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, हर फॉर्म के लिए अलग से ₹50 की, वो अलग से फॉर्म भरवाने की फीस ले लेता है। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फायदा आपको क्या होगा, आपको ना अपना आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद है ना आपकी एक्स्ट्रा कोई फी नहीं लगेगी, साल में ना एक ही बार आपको क्या करने पड़ेगी, फी पे करनी पड़ेगी। ये घोषणा पूछी जाएगी कब हुई थी, सुशासन दिवस को, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होगा बच्चों, ये ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और इसमें ना क्या सबसे जरूरी बात क्या है, 11 जनवरी को आज लॉन्च होने वाला है कि 2000 जो मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, कि साल में ना 2021 में एक बार पक्का क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बार पक्का होगा। और साल में ना कम से कम है ना, कम से कम ये एक बार होगा, और ज्यादा से ज्यादा है ना कितनी बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है। तो कम से कम उन्होंने कहा है कि 2021 में ना ये किट जरूर होगा। और इसकी फीस है ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कितनी रहेगी बच्चों, कहा गया है ₹250 से लेकर ₹500 तक की फीस रहेगी, ₹250 से लेकर ₹500 तक की क्या ली जाएगी बच्चे से, फीस ली जाएगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस ली जाएगी। और जिसकी क्वालिफिकेशन 10th है ना, 10th से ऊपर है ना, वो क्या करवा सकता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और बच्चों, ये भी आ सकता है कि किट देने की कोई लिमिट नहीं होगी, जैसे है ना कई एग्जाम होते हैं उनकी देने की ना आईएएस वगैरह की लिमिट होती है, तो किट आप है ना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी कोई है ना, देयर इज नो लिमिट, इसकी क्या नहीं रहेगी बच्चों, कोई लिमिट नहीं रहेगी। एक बार क्लियर नहीं हुआ तो कितनी बार दे दिया वो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ना एक बच्चों क्या होगा, क्राइटेरिया फिक्स होगा, जैसे है ना 100 नंबर का पेपर हुआ ना, तो इसमें फिक्स होगा कि 60 नंबर वाले का ना किट क्लियर माना जाएगा। ये 60 नंबर इस बात की गारंटी नहीं देगा कि उसकी जॉब लगेगी, तो बच्चों हाँ ये शॉर्ट लिस्टेड होती जाएगी, ऊपर वाले जॉब लगते जाएंगे। और इसकी ना जॉब है ना, अगर अगले साल इसने कैट और दिया तो इसके 70 नंबर आ गए, तो वो 70 माने जाएंगे, 60 नहीं माने जाएंगे। और 60 से अगले एग्जाम में 50 आ गए तो ये नहीं माने जाएंगे, 60 माने जाएंगे। अधिकतम को क्या करेगा ये, प्रेफर करेगा, और डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ना जॉब देता होगा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का बच्चों फायदा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सोच के चलते हैं कि इसका नुकसान होने वाला है, कोई नुकसान है नहीं होने वाला है बच्चों। ये है ना बाद में, पहले क्या होगा, ऊपर वाले को उठाया जाएगा, फिर डिपार्टमेंटल अलग टेस्ट लेगा। अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें ना जो किट है हरियाणा का, इसका सिलेबस क्या रहेगा? इसमें बच्चों 70% ये कहा गया है कि जो आपकी ना जीएस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है। इसमें ना बच्चों सारा का सारा साइंस भी आ गया, मैथ भी आ गया, रीजनिंग भी आ गई,
ठीक है, और जो आपका करंट अफेयर भी आ गया, यानी सारे के सारे सब्जेक्ट में, यहाँ पर कंप्यूटर भी आ गया, यहाँ पर इंग्लिश भी आ गई, यहाँ पर हिंदी, जो HSSC में सारे सिलेबस में आते हैं ना, वो 70% वो होंगे, और इसमें कहा गया 30% है ना आपकी हरियाणा से संबंधित है ना, वो GK आएगी, उसमें सिविक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, यानी हरियाणा का कल्चर हो गया, तो 70 और 30 का क्या रहेगा, रेशियो रहेगा, ये हरियाणा का ना कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंटर के कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या होगा, अलग होगा। तो बच्चों ये केट है ना, इसको आप बर्डन मत कर मान, आज से ना बच्चों ये लागू कर दिया गया है, अब जितनी भी नई भर्तियां निकलेगी ना वो केट से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा, और 2021 में ना ये केट जरूर होगा। आपको चिंता मत करनी है, आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे ना, तो ये केट के बारे में आज बताना था, और इसी आधारित है ना आगे नई नोटिफिकेशन की भर्ती आएगी ना, इसी आधार पर आपका जीके भाई प्रदीप सर चैनल आपको स्टडी करवाएगा। टेंशन मत लेना, आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्यारे बच्चों हम बैठे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। 20 जनवरी को चैनल को आपके 3 साल होने वाले हैं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों 3 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा आप कर पार करवा दो, तो आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।